कई मुद्दों पर बयान दिया है, क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कि कृपा करके मंदिरों में भीड़ की स्थिति न बने, हमें सावधानी से कोरोना से लड़ना है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे और कम्युनिटी में वायरल हुआ तो दिक्कत आएगी। लगभग अलग अलग समूह हैं, चार समूह बने हुए हैं और सभी मंत्री किसी न किसी समूह में शामिल हैं और सबको 25 तारीख तक ये जो वेबिनार में सुझाव विद्वानों के आए हैं, विषय विशेषज्ञों के आए हैं, इस और जनता के द्वारा भी जो आए हैं, इन सबका जो निचोड़ है वो मंत्रिमंडल समूह माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के सामने 25 तारीख के पहले रखेगा। बात तो फैलने की बहस जहां तक तो अब थमने लगा है। भोपाल में भी आप देखेंगे 250, 300, 200 केस आते थे, अब 100 के नीचे आने लगे। रैपिड टेस्ट हो या कोरोना टेस्ट जो हो रहा था वो हो, संदिग्ध को पकड़ के अस्पताल में नहीं रख सकते जब तक उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती है। पॉजिटिव रिपोर्ट रैपिड टेस्ट से आए या दूसरे टेस्ट से आए, उसके बाद उसको अस्पताल में रखा जाता है। किसी तीसरे को बना ही नहीं सकते। दौड़ में एक लड़का फर्स्ट आया तो दूसरे ने पूछा सेकंड कौन आया, बोले नहीं दौड़ा ही अकेला था, तो फर्स्ट तो आना ही था। कृष्ण जन्माष्टमी है, वो तो उनमें से ही कोई बनना है। सोनिया जी बन जाए, राहुल जी बन जाए, गोविंद जी की मखनी, गोविंद जी को घी, गोविंद जी से ले, गोविंद जी को दे। एक बात मैं कोरोना के बारे में फिर दोहराना चाहता हूं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कि कृपा करके मंदिरों में भीड़ की स्थिति न बने, हमें सावधानी से कोरोना से लड़ना है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे और कम्युनिटी में वायरल हुआ तो दिक्कत आएगी। माननीय गणेश उत्सव प्रारंभ होने वाला है और इसलिए इसमें बड़ी मूर्तियां नहीं रखना है। घर के बाहर पंडाल लगा के, माइक लगा के ये कार्यक्रम नहीं करना है, ऐसा केंद्र की गाइडलाइन है। कोई भी मुहर्रम पे ताजिए वगैरह मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, गुजारिश है, केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप ताजिए वगैरह न तो निकालना है, ना ही उनका निर्माण ऐसा करना है। घर के अंदर जो आराधना पूजा पद्धति से आप कर सकते हैं